Alright family, welcome back to another horror gameplay video. Like आज की वीडियो होने वाली है बहुत amazing video क्योंकि भाई आज हम खेलने वाले Evil Nun. Like Evil Nun का हमने पहला round करा था जिसमें हमने door escape करा था, but आज हम करने वाले van escape. हमने van escape नहीं करा था Evil Nun का, तो मैं आ गया फिर से Evil Nun के साथ लड़ाई करने. Van escape like सबसे dangerous game. मतलब मैंने बहुत games खेली है, but सबसे dangerous इसमें से Evil Nun है क्योंकि इतनी गंदी आवाजें करती है, ऐसे हथौड़ा लेके चलती है. She's very, very, very scary. तो भाई आप लोगों के लिए मैं खेल रहा हूँ वैन एस्केप. होता नहीं होता, कोशिश पूरी है वैन एस्केप करने के लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना. हमेशा बोलता हूँ आज भाई का थोड़ा हाथ भी टूटा हुआ है. कल मैं क्रिकेट खेलने गया था और पहला शॉट मारा मैंने खींच के और मुझे लगा बॉल बहुत दूर जाएगी, बट मेरा हाथ बहुत दूर गया क्योंकि ये हिल गया और विकेट उड़ गई पहली बॉल पे 0 रन मार के. रिटायर्ड हर्ट भी हो गया. तो ऐसी बुरी किस्मत किसी की ना हो और बहुत समय बाद जब क्रिकेट खेलो तो भाई हाथ घुमा लेना, बहुत दर्द होता है बाद में. तो चलो करते हैं हम शुरू Evil Nun. हाथ तो ठीक होता रहेगा. लेट्स गो फैम. और वो हैमर से मारेगी, थोर का बड़ा वाला हैमर लेके आएगी और दिस इज गोना बी वेरी डेंजरस. लेट्स सी क्या होता है. ओके कहाँ है Evil Nun? ये रही Evil Nun. ओके भाई बहुत गंदी आंटी है, भैया बहुत गंदी. ओके तो यहाँ पर है डे वन और हमें करना है एस्केप घर से और अभी हम उसके बंदी बने हुए हैं. तो दिस इज डेंजरस. आई हैव टू बी गुड. आई एम फुकरा इंसान एंड आई एम गोइंग टू बी गुड. आई एम गोना ट्राई टू बी गुड. आई एम नॉट दैट गुड. आई एम अ बैड बॉय. ओके आई हैव टू लीव द स्कूल. ये मैंने खोल दिया डोर, आगे चलते हैं. और डोर खोला और ये डोर के आगे नहीं खोला क्योंकि उसके लिए हमें बंच ऑफ कीज चाहिए. और यहाँ पर एग्जिट वे आउट नहीं क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल करंट. ओके इलेक्ट्रिकल करंट मुझे पता है ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए हमें. मैंने पहला पार्ट खेला था, मुझे बहुत आइडिया है इसके बारे में. ओके इस डोर के अंदर चलते हैं और किचन में हमें मिलने वाला है इलेक्ट्रिक करंट जो मतलब केबल होती है और वो पैनल में लगना है. तो लेट्स सी फाइंड करते हैं पहले या तीसरे ड्रॉर में होता है. कहाँ पर है ड्रॉर? ओके ये आ गए ड्रॉर हमारे. दिस इज गोना बी आवर फर्स्ट ड्रॉर, सेकेंड ड्रॉर और थर्ड ड्रॉर. ओके फोर्थ ड्रॉर में पक्का मिलेगा. और ये हमें मिल गई है हमारी स्मॉल केबल, इसको हम लगाने वाले पैनल में. ओके यहीं गई है पैनल भी, ये रहा. ओके इलेक्ट्रिसिटी पैनल लग गया. अब हमें करंट मिल चुका है तो हम वो गेट खोल सकते हैं. अब लेट्स सी आगे चलते हैं. ये देखते किचन में और कुछ है. भाई भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई सारी चीजें छानना क्योंकि इस बार हमें करना है वैन एस्केप. इनके घर से डोर लेके भागना है, इनके घर से डोर लेके मस्त जोक मारा, इनके घर से वैन एस्केप में भागना है. लेट्स गो फैम. ओके 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 यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर है यहाँ पर. भाई ये नीचे वाला कमरा बहुत डेंजरस है, मेरे को बड़ा डर लगता है इस कमरे से. ओके Evil Nun कहाँ हो? ये मेटालिक ब्लाइंड है यहाँ पर और मेटालिक ब्लाइंड अभी खोल नहीं सकते, इसके लिए भी कोई स्विच चाहिए. ओके मेटालिक ब्लाइंड का स्विच भी हमें मिल जाएगा. लेट्स सी लेट्स सी. ओ Evil Nun यही है भाई, भागो भागो. ओके डोर खोल के मैंने क्लासरूम में, मैं कहीं यहाँ पर पीछे छुप जाता हूँ टेबल के. अबे ये तो पीछे ही आ रही है. अरे भागो 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 भागो, बच गया बच गया बच गया भाई, बच गया बच गया भाई, बड़ी गलत नर्स है. ओके आगे चलते हैं और ये हम बटन दबा देते हैं, ये खुल गया. ओके तो यहाँ पर एक और मेन ये डोर है जो पैडलॉक की, जिसकी हमें चाहिए वो हमें मिलती नहीं. और अंदर एक बार चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है. और इस चेयर के ऊपर मैं खड़ा हो सकता हूँ. ओके और ये ड्रॉर मैंने खोला, इस ड्रॉर में भी मेरे को कुछ नहीं मिला. और यहाँ पर क्लोजेट भी मेरे को लग रहा है इसके अंदर कुछ नहीं होता है, छुपने के लिए होता है क्लोजेट. खोल के देख लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं है भाई क्लोजेट में भी. ओके इसको एक बार देखते हैं, आगे चलते हैं. आंटी Evil आंटी कहाँ हो आप? Evil आंटी मैं आपको हराऊंगा. ओके तो ये क्लासरूम के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर ये वाला कौन सा रूम है? ओल्ड बुक्स का रूम है ये. ओके भाई ये ना कमरा थोड़ा मतलब इसका जो रूम घर है, रूम कह रहा हूँ रूम नहीं, जो इसका घर है Evil Nun का, बड़ा डेंजरस है. ये स्कूल है, हॉस्टल है, क्या है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है. ओके आगे चलते हैं. भाई ये देखियो कैसे झूम रही है आंटी वहां पर. वाओ मैन आंटी इज वेरी डेंजरस. ओके ये लिड खोल देते हैं और एक बार लिड के अंदर होके आते हैं, देखते हैं क्या है. भाई बड़ा गलत ही चीज है अंदर, यहाँ पर पता नहीं क्या पंखे पंखे से लगे हुए हैं. बाहर इसके नीचे चलते हैं. और ऊपर ये देखो पंखे पंखे यहाँ पर. ओ माय गॉड डेंजरस सिचुएशन. नीचे चलते हैं, एग्जिट मारते हैं उसी लिड से वापसी.
वेरी गुड ओके इवेल आंटी कहाँ हो आप भाई कसम से रात को 3:30 रिकॉर्ड कर रहा हूँ नीचे ना गार्ड कीपर भी होगा भूम 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 बजा रहा होगा वो अपना डंडे को कसम से कहीं भूत आ गया ना डर लग जाएगा मेरे को यहाँ पर है मेटालिक ब्लाइंड यहाँ पर मास्क कलेक्शन के लिए भी बड़ी गेम होती है मैंने देखा यार इसमें बैलून एस्केप भी है बैलून एस्केप बहुत टफ है बट इफ यू गाइस वांट कि मैं करूं बैलून एस्केप तो भाई 40,000 लाइक्स 40,000 लाइक्स दोगे तो इवेल इनका बैलून एस्केप करूंगा जो सबसे डेंजरस है तो भाई करो लाइक करो लेट्स सी अभी हम पहले अपना वैन एस्केप कर पाते नहीं कर पाते ओके तो यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर इस डोर में यार हमेशा यार रूम मिलता था यार झाड़ू क्यों नहीं है यहाँ पर झाड़ू की बहुत रिक्वायरमेंट है भाई मेरे को चिल्लर दे रहे हैं यार कोई नहीं चिल्लर ही करते हैं बट ब्रो ब्रूम और क्रोबार जरूर ढूंढना बहुत जरूरी है हमारे लिए इस गेम में ब्रूम और क्रोबार के बिना तो गेम हो ही नहीं सकती मेरी वैन एस्केप ओके ये डोर मैंने खोल दिया यहाँ पर और ये हैवी बुक्स का मैं क्या ही करूँ उठा के फेंक देता हूँ और कोई फायदा नहीं है इनका ये यहाँ पर ये लिड खोलता हूँ और इस लिड से तो मुझे पता है बैक यार्ड में चला जाएगा इसमें बाद में जाएंगे ओके तो यार ब्रूम तो यहीं मिलता था यार यहाँ क्यों नहीं है मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है यार ब्रूम हमेशा यहीं होता है ओके तो ये मैंने कॉइन्स कलेक्ट कर लिए यहाँ पर और कॉइन्स का वैसे कोई फायदा तो होता नहीं अबे यार ऐसे सोने की धाड़ने की आवाज़ें आ रही हैं ईवल आंटी सो रहे हो क्या सो रहे हो तो बता दो यार हम भी रेस्ट कर लेते हैं ओके यार ब्रूम और क्रोबार ढूंढना है कहाँ मिलेगा ब्रूम और क्रोबार आई नीड टू फाइंड देम यार उसके बिना गेम में हमारा कुछ बचा ही नहीं है ओके इसके नीचे वाले कमरे में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए बड़ा डेंजरस कमरा है मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि ब्रूम और क्रोबार मिलेगा कहाँ लेट मी फाइंड कहाँ मिलेगा ब्रूम और क्रोबार की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू बहुत महंगे हैं हमारे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है महंगे तो नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है तो लगते हैं कोशिश में ओके तो ईवल आंटी से बच के रहना भाई बहुत डेंजरस है ये इसकी फोटोज देख लो ऐसे दीवारों पे लगी हुई है जैसे कसम से गरज की भूतनी हो ओके 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 इस लेड में जाने का मेरे को कोई फायदा नहीं है मैं वहीं घूम रहा हूँ मेरे को लग रहा है क्रोबार एंड ब्रूम वी नीड टू फाइंड देम नीचे चलते हैं ईवल आंटी कहाँ पर है ओबे भाई वैन की एस्केप की आवाज भी आ रही है लाइक वैन पता क्या होता है वैन की जो आंटी होती है वो कपड़े लेके जाती है तो वैन एस्केप का मोटिव ही यही है हमारा वैन एस्केप में हमें करना ही यही है कि हमें उसके कपड़े गंदे करने हैं और कपड़े गंदे करके जब वो कपड़े बाहर निकालेगी तो हम वैन में बैठ जाएंगे और ऐसे हम एस्केप मार देंगे तो दिस इज माय मास्टर प्लान उसके लिए हमें ब्रूम चाहिए और क्रोबार चाहिए क्योंकि उससे हमें चाबी मिलेगी और हमें मेन की चाहिए जो उसके पेंट हमें ढूंढना है इसका तो दैट इज अ टफ सिचुएशन मैं बहुत रिसर्च करके आया हूँ क्योंकि मैं कभी पार नहीं कर पाया वैन एस्केप जब भी मैंने खेलने की कोशिश करी है बट आज पूरी कोशिश हमारी वी कैन डू इट रेडियो में सोच रहा हूँ रेडियो ही बजा लूँ और कुछ तो भाई क्या डेंजरस आवाज है रोल तो भाई इसको ओह शिट ओके भाई मिल जा अरे अरे ये वाला आंटी बच गया ओके भाई ये कैसे बच गया मैं मारा क्यों नहीं इसने मेरे को भाई ये वाला एक बार ओह यस ब्रूम भी मिल गया भाई पर इसने मेरे को मारा क्यों नहीं मेरे को समझ नहीं आया भाई मैं मतलब कसम से इसके साइड से निकल गया और मेरे को ब्रूम भी मिल गया फाइनली थैंक गॉड अब मेरी एक क्रोबा ढूंढने की और भाई ये ईवल आंटी ने तो आज मेरे को कसम से बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया भाई कह रही है बेटा पार कर ले बहुत टाइम हो गया तो तुमने पार नहीं किया ओके तो ब्रूम को हम यहीं कर देते हैं ड्रॉप ओके क्रोबार यहीं पड़ा है अबे यार ढूंढा तेरे को गली गली मिला तू यहाँ पर ओके भाई क्रोबार लेकर निकल रहा हूँ और फिर से मेरे को आवाज आई वैन की और भाई इसी वैन में बैठ के मेरे को एस्केप करना है बट मैं क्रोबार लेके घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे को भाई नेल्स खोलने हैं मेरे को वो समझ नहीं आ रहा वो छोटा सा लिड था जिसके थ्रू हम गैराज में जा सकते हैं भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा पर लेट्स फाइंड इट वो कहीं वॉशरूम का है इसका यार वॉशरूम के थ्रू था ओके यही है वॉशरूम यही जाना है लेट्स ओपन द डोर और यस आई न्यू इट मैंने इसको देखा हुआ था यार फर्स्ट राउंड में बट इसके अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये मेरे को कन्फर्म नहीं है क्योंकि यार भाई बहुत अंधेरा है डर लग रहा है अबे यार ये तो रुक गया दरवाजा और इसके लिए मेरे को चाबी चाहिए होगी इसके लिए कोई चाबी भी ढूंढ के लानी पड़ेगी मेरे को लगता है लेट्स गो आगे भाई कैसे से डेंजरस वॉशरूम है ऐसे वॉशरूम में तो जाके कभी सुसु भी ना करूं मैं कसम से भाई बहुत डर लगता है मेरे को ऐसे ओके लेट्स मूव आगे इविल आंटी वेयर आर यू कौन है ये लोग ओके तो यहाँ पर कुछ नहीं है और
भाई या भाई, अब मेरे को पेंट वाला डब्बा ढूंढना है, वो कहाँ से मिलेगा, और उसके लिए चाबी ढूंढनी है। तो चलो भाई आगे चलते हैं, लेट्स गो। कम ऑन, वी कैन डू इट। ओके, यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे और वी आर फाइंडिंग आर वेज टू गेट आउट ऑफ दिस हाउस। निकलना है मुझे इस घर से। यार ये झाड़ू का तो मैंने पहले ढूंढा बहुत है, बट अब मेरे को समझ आ रहा है कि इसकी मेरे को कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको इससे चाबी निकलती है और ये सिर्फ डोर एस्केप के लिए काम आता है। और ये वाला एरिया भी मेरे को लग रहा है मैं वे मतलब छान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ डोर एस्केप वाली चीजें मिलती है। हैवी बुक्स का भी कोई काम नहीं है, और ये वाला डोर तो मेरे साथ खुलेगा भी नहीं, तो यहीं से बाहर ही निकलना ज्यादा हमारे लिए मतलब बेनिफिशियल है। ये हैवी बुक इसके ऊपर मारता हूँ, क्या पता कुछ जुगाड़ हो जाए कुछ ना होने वाला इससे भाई। ये डोर भी नहीं खुलता भाई। एक तो इतने सारे डोर है भाई इसके इस हॉस्टल में कि मेरे को समझ नहीं आता कि भाई अगर मैं इसके मतलब बैलून एस्केप करूंगा तो क्या क्या होगा। ओके, एक ट्रैप डोर से निकले दूसरे ट्रैप डोर में, और ये मैं कहाँ आ गया भाई। अच्छा, बैक यार्ड में मैं यहां से आ गया, ये भी ठीक है, बट यहां से मेरे को लगता है कोई सोल्यूशन नहीं है कहीं जाने का। ये तो एक नॉर्मल छुपने की जगह भाई। ये क्या है भाई, लिड। और यहां पर भी ट्रैप डोर है भाई। यह तो कहां कहां से निकल के कहां पहुंच गया मैं। अच्छा, ये ट्रैप डोर से बाहर निकलता हूं तो बास्केटबॉल कोर्ट में, और बास्केटबॉल से सीधा यहां, और यहां नीचे जाके एक बार देखते हैं भाई क्या सिचुएशन बनती है। ये वाला तो भाई वो डेंजरस, भाई डेंजरस जगह, इससे तो मैं ऊपर ही आ जाता हूँ, कोई फायदा नहीं है इस जगह में जाने का। इविल आंटी, इविल आंटी, मैं किधर जाऊँ, आई एम कंफ्यूज। इविल आंटी आप ही बता दो, आपको तो आपके घर का मैप पता ही होगा, आप ही थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दो कहाँ से जाना है कैसे जाना है। यहीं पर थी भाई, यहीं पर थी भी। मेरे को उसकी थोड़ी दिखी सी परछाई सी दिखी। डोर में छुप जाना चाहिए वैसे मेरे को, कोई डोर में कुछ नहीं है, खाली है सारे, कोई कुछ नहीं कर रहा। चलो 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 चलो, पेंट का डब्बा ढूंढना है, पेंट का डब्बा ढूंढना है, गैराज भी ढूंढना है नीचे। चलो चलो चलो, वो आउट बैक यार्ड था, वो गैराज नहीं था जहां हम गए थे, हमें गैराज भी ढूंढना है, गैराज किधर से आएगा। मेरे को लग रहा है यहाँ पर भी कुछ लफड़ा है, इस ये खुलेगा नहीं खुलेगा, बिग लॉकर ना। ये लिड खुलती है, ठीक है इसके नीचे चलते हैं। अबे ये कहाँ आ गया मैं, सीवर में आ गया। और भाई यहाँ पर तो हमारी स्पीड ही कितनी फास्ट हो गई है। और यहाँ पर फिर सीढ़ियाँ, लफड़ा है भाई इस घर में कुछ, मैं तो कसम से भूल भुलैया वाला घर लग रहा है मेरे को। ओके, ये गैराज, यहीं पर आती है गाड़ी, ये रही गाड़ी। वी आर वेरी क्लोज भाई, बहुत पास आ गए हम, यहीं तो हम ढूंढ रहे थे भाई इतनी देर से। यहीं पर मिलेगा हमें पेंट का डब्बा, और इसकी चाबी कहाँ मिलेगी वो देखना हमें। तो चलो भाई यहीं पर तो हमें मिलेगी वो आंटी जो हमें बाहर लेके जाएगी, ये रही आंटी जो कपड़े यहाँ लॉन्ड्री कराती है। इसकी गाड़ी का नंबर देख लो, CEO, वाह कहाँ की मालकिन है भाई, ये कहाँ की मालकिन है ये आंटी। छुपना पड़ेगा इसे भी। आंटी ये तो अभी जा रही है, अबे मत जाओ आंटी, ऐसे मत जाओ आंटी, मैं जा रही हूँ, मेरे को लेके जाओ। और देख रहा है इवेल आंटी भी वहां से शॉर्टकट से आ गई, मतलब जो ग्रैनी थी वो शायद शॉर्टकट से नहीं आती थी, ये शॉर्टकट से आती है। इसकी चाबी चाहिए, यहाँ मिलेगा हमें पेंट भाई, इट्स लॉक्ड राइट नाउ। और पेंट ढूंढने के लिए हमें चाबी, ये शायद मिल गई हमें बंच ऑफ कीज, और इसको ओपन करते हैं। नहीं, ये इसमें यूज ही नहीं हो रही, यहाँ से बाहर निकलो। ये चाबी यूज कहाँ पर होंगी मेरे को ये बता दो भाई। ये डोर, ये नाउ यू कैन गो टू द गैराज यूजिंग दिस चेज़। अच्छा, ये चाबी इसके लिए यूज होनी थी क्या। अबे ईविल आंटी पीछा कर रही है भाई, भाई भाई भाई, अभी मौका है पार करने का, हमें सिर्फ और सिर्फ येलो कीज चाहिए और ये गेम पार होने वाली है। येलो कीज कहाँ मिलेंगी, मैंने कहीं देखी थी शायद येलो कीज। अबे यार ईविल आंटी से बचो एक तो। येलो कीज, वेयर आर येलो कीज। कंफ्यूज हो गया, मेरी स्पीड बढ़ी जा रही है हाथों की। यहां से मैं सीधा गैराज में जा सकता हूँ, मेरे को येलो कीज ढूंढ दो बस। येलो कीज, वेयर आर यू भाई। येलो कीज ढूंढ तो है, कसम से पूरा घर छान लिया यार। येलो वाली चाबी कहाँ मिलेगी, यहाँ पर इसने मेरे को बंदी बना रखा है, यहाँ से मेरे पे लिखवाती है आई एम फुकरा इंसान, आई एम गोइंग टू बी गुड बॉय। भाई येलो कीज यार कहाँ है भाई, ढूंढ दो मिल जाए।
भाई घर के किस कोने में छुपा रखी है आंटी आपने मेरे को एक बार बता। ओ येरी 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 भाई येरी इसको फेंको। मिल गई मिल गई मिल गई भाई मिल गई, लौटने लग गई। इतना खुश मैं अब तक कभी नहीं हुआ। अब बस पेंट का डब्बा निकालना उससे और उसके कपड़ों पर डालना और हमारा काम कंप्लीट। ओके भाई यहाँ से हम चलेंगे सीधा येलो कीज लेके पेंट बॉक्स पे। वैसे मैं इसका डोर एस्केप भी कर सकता था, मेरे को पता है सिर्फ झाड़ू का वो लगाना था, मैं तो चाबी ट्राई कर रहा था वहां पर। ओके इसे हम ये खोलेंगे येलो की का येलो लॉक और यहाँ पर हमें मिल गया पेंट का डब्बा। और लेट्स सी इस पेंट के डब्बे से हमें क्या करना है, मुझे पता है क्या करना है, मैं बस वैन की वेट कर रहा हूँ। ये वैन अब बैक करे। अरे वैन हमारे ऊपर से मत, अबे ऊपर से निकल गई भाई, देख तो ले पीछे इंसान है। चलो 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 भाई चलो 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 बस बस एंड एंड मोमेंट क्लाइमैक्स चल रहा भाई, क्लाइमैक्स है ये। बस इवन आंटी पीछे ना पड़ जाए नहीं तो खत्म हो जाएगा गेम। बस यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ इनके कपड़ों पे येलो पेंट दबाना है। लेट्स गो लेट्स गो, येलो पेंट डालेंगे CEO 653 पे। वी कैन डू इट फैमिली, लेट्स गो। कपड़े रख रही है ये शायद वहां पर, लेके जा रही है अभी लेके आई है। लेट्स सी इसके पास कपड़े पड़े नहीं पड़े। ट्रंक फुल ऑफ क्लोथ्स, नए कपड़े रख दिया और मैंने सिर्फ कपड़े गीले कर दिया। और छुप जाओ नहीं तो आ जाएगी। यू हैव मेस्ड अप क्लोथ्स इन द ट्रंक। या अब ये सो रही है। अबे यार ये अब ये कपड़े निकालेगी तब जाके मैं इसके अंदर छुपूंगा, तब जाके मैं निकल पाऊंगा। अब हमें इसका वेट करना पड़ेगा जब ये उठे। आंटी उठो, आंटी उठो, कम ऑन फास्ट उठो। वी आर वेटिंग। अ फ्यू इंचेस लेटर। आ गई। आ जाओ, ले गई कपड़े मेरे हिसाब से ले गई। अब हमें इसमें छुपना है और इट्स गोना बी कंप्लीटेड, लेट्स गो। ले जाओ छुप के चलते हैं भाई, पकड़ लिया तो एंड मोमेंट पे टाइट टाइट फिश हो जाएगी। अबे यार अभी भी नहीं लेके गई यार, क्लोथ्स आर स्टिल डर्टी। क्या लफड़ा भाई ये। अबे यार ये कपड़े लेके क्यों नहीं जा रही, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। आंटी एक बारी में ले जाओ ना सारे उठा के, हम तो भाई पूरे ले जाते हैं एक बारी में। अभी भी एक बार के कपड़े अभी भी बाकी हैं। अबे यार आंटी इनका साबुन स्लो है, आंटी हमारी बंटी है। ओके यस यस, ट्रंक फुल ऑफ क्लोथ्स एंड इट्स डन। यस यस, बाहर निकलो। आंटी जी अभी सोने गई हैं और हम छुप चुके हैं उनके जिनमें वो कपड़े लेके आती है उस डब्बे में। एंड यस, मैंने कंप्लीट कर दी, इविल नन कंप्लीट कर दी। बहुत टफ है यार, सबसे मुश्किल है। अबे आंटी उठो लेके तो जाओ, ऐसा ना हो इविल नन आ जाए भाई। उठो उठो, उठ गई। क्यूट आंटी है ये, प्यारी सी। वी हैव डन इट, एस्केप फ्रॉम स्कूल हो गया, एस्केप फ्रॉम वैन हो गया। नाउ इट्स टाइम, व्हाट्स द टाइम। टाइम वैसे बड़ा लेट हो रहा है, 4:08 जब मेरी गेम कंप्लीट हुई यार। मैं कसम से 11 से कोशिश कर रहा था कंप्लीट करने के लिए, नहीं हुई। एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर वैन एस्केप। तो वीडियो को लाइक जरूर करो, अगर आप देखना चाहते हो बैलून एस्केप तो जरूर मिलेगा भाई। सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फैमिली।